आपका ब्रेकअप किसी भी रीजन से हुआ हो, चाहे किसी ने किसी को भी छोड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि इस बात का एहसास दिलाना या उसे आप वापस अपनी लाइफ में चाहते हो, तो ये फॉर्मूला आपके बड़े काम आएगा। दोस्तों, लड़के और लड़कियों में यहाँ अलग अलग सिचुएशन होती है। जो तरीके लड़कियों को जलाने में काम आएंगे, वह तरीके लड़कों को जलाने में शायद उतना कारगर साबित ना हो। पर आज के जो हमारे टिप्स हैं, वो आपके लिए हैं। वह इतने जबरदस्त हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड को आसानी से जला सकते हैं, अगर उसने आपको प्यार में धोखा दिया है तो, या फिर अगर आप उसको वापस अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं तो हमारे ये टिप्स सब हासिल करने में आपको बहुत मदद करेगा। सबसे जबरदस्त तरीके यह है कि आप अपने किसी दोस्त या फ्रेंड जो लड़का हो उसके साथ ज्यादा क्लोज हो जाए, उसके साथ ज्यादा बातें करें, उसके साथ ज्यादा हंसे, ज्यादा खेलें, और यह खास करके उस समय करें जब वह लड़का या आपका बॉयफ्रेंड आपके सामने हो। इस चीज को देख करके बहुत बहुत जलेगा और उसको अंदर से बहुत ज्यादा जलन होगी और वह रह नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी बॉयफ्रेंड या कोई भी लड़का यह नहीं चाहता है कि कभी जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी आज किसी और के साथ इतना खुश है, इतना ज्यादा हंस खेल रही है। वह चाहता है कि वह सिर्फ मेरे साथ हंसे, मेरे साथ खेले। तो कहीं ना कहीं वह इस चीज को देखकर परेशान हो जाएगा और आपसे आकर ये कहेगा कि उतनी तो खुश तुम तब भी नहीं थी जब तुम मेरे साथ हुआ करती थी, तो आज क्या हुआ? अब आपको उनसे कुछ नहीं कहना है। अगर वह आपसे भी प्यार करते हैं, यहाँ आपके वापस पाना चाहते हो, तो आपके पास जरूर आएंगे, और अगर उसने आपको धोखा दिया है तो ये उसके लिए बहुत जबरदस्त सबक होगा। आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड या उस लड़के के सामने इतनी खूबसूरत बनकर जाना है ना, जैसे कि फिल्म की हीरोइन हो, और आपको इतनी खूबसूरत दिखना है उसके सामने जैसा उसको आपको पहले कभी ना देखा हो, जिससे कि उसके पूरी तरह टूटे उड़े जाए। यह टिप्स इतना जबरदस्त है कि वह भी अफसोस करेगा और आपका एक्स बॉयफ्रेंड यह सोचेगा कि यह मैंने क्या गलती कर दिया, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड, इतनी खूबसूरत लड़की को मैं छोड़ रहा हूँ या मैंने धोखा दिया है। यह तरीका उसको जलाने का इतना कारगर साबित होगा कि क्या बताओ। वह दौड़ा दौड़ा आपके पास खींचा चला आएगा और फिर कभी दूर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दोस्त की तरह आपस में बातचीत करते हैं, तो यकीनन है कि अगर आपका कभी किसी से रिलेशन था तो आपके हिसाब से बातचीत होती रहेगी फोन पर। तो यहाँ पर आपको यह करना है कि जब कभी भी उसका फोन करे तो उसके फोन को होल्ड पर डाल देना है या उसे वेटिंग में रखना है, जिससे कि वह बहुत ज्यादा जलने लगेगा, बहुत ज्यादा जलन होगी उसे। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है तो आप जानेंगे कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का कॉल जब बिजी आता है तो कैसा फील होता है, कितनी तकलीफ होती है हमें, कितनी जलन होती है हमें, और हम सोच पड़े आते हैं अरे यार किसके साथ इतना बिजी है। आपको अपने एक्स बॉयफ्रेंड या उस लड़की को इग्नोर करने की कोशिश करना है। जब भी आप उसके आसपास हो तो उसको इग्नोर करें, उससे कोई बात ना करें। वो आपसे अगर कोई बात करने की कोशिश करे तो उसके सामने कहो कि अरे यार मुझे काम याद आ गया, मुझे वो काम याद आ गया, मुझे अभी अभी जाना है, अभी क्लास का टाइम हो गया। इसे पूरी तरह इग्नोर करो, उससे बात ही मत करो। और तभी अगर कोई आपका दूसरा फ्रेंड या सहेली आपके सामने आ जाए तो उससे बहुत टाइम तक बात करो। देखना, ये तरीका इतना जबरदस्त है कि आपको बॉयफ्रेंड सोचेगा अरे यार ये उसको मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो अपनी सहेली के साथ कितना ज्यादा बात कर रही है। वो यकीनन उसकी गलती का एहसास होगा और वो खींचा हुआ आपके पास वापस चला आएगा।